नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आज से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है 3 मई तक के लिए, तो हमारे एवं हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी से आग्रह है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और जितना हो सके ऑनलाइन ही पढ़ाई करें, जिसके लिए मेरी कोशिश लगातार जारी है कि आप सभी को ऑनलाइन ही सारी सुविधाएं प्रदान की जाए। हमने पिछले वीडियो में EPC 1 एवं EPC 2 का सिलेबस एनालिसिस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे EPC 3। EPC 3 सब्जेक्ट का हम लोग सिलेबस एनालिसिस करेंगे और इसके बाद एक एक करके प्रत्येक यूनिट का हम वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EPC 3। EPC 3 में हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा EPC 3 में हमको पढ़ना है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ICT का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हम लोग को क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग पढ़ना है। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग मतलब महत्वपूर्ण समझ, इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ICT का। हम कंप्यूटर के बारे में हर एक चीज़ जानेंगे, वो काम कैसे करता है, वो क्या है, कंप्यूटर का शिक्षा में क्या योगदान है, क्यों जरूरी है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। फिलहाल आपके हम सिलेबस की तरह बढ़ते हैं कि हमको EPC 3 के अंतर्गत क्या पढ़ना है। यदि हम EPC 3 की बात करें तो इसे 3 अध्याय में बांटा गया है, Unit 1, Unit 2 एवं Unit 3। हम एक एक करके बात करेंगे कि हमको इस तीनों अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। यदि हम Unit 1 की बात करें तो Unit 1 में हमको सबसे पहले पढ़ना है सूचना एवं संचार तकनीकी, यानी कि ICT, ICT की अवधारणा एवं शिक्षा में इसका महत्व। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, हमको पढ़ना है कि ICT का एजुकेशन में क्या उपयोग है, शिक्षा में इसका क्या योगदान है, इसकी अवधारणा क्या है, ICT है क्या, ICT को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हमको पढ़ना है भारत में विद्यालय शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी की राष्ट्रीय नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की समझ। जो हमारे भारत के विद्यालय हैं उनके लिए राष्ट्रीय नीति क्या है, सरकार का वो नीति क्या है जिसमें ये कहा गया है कि भारत में जितने भी विद्यालय हैं, आपके बिहार में जितने भी विद्यालय हैं, सारे विद्यालय में ICT को समावेशित करना है। समावेशित कैसे करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा हम जानेंगे ICT संसाधनों के प्रकार, कितने टाइप्स ऑफ ICT के रिसोर्सेज हैं, कितने इसके प्रकार हैं, इसके संसाधन कितने प्रकार हैं और विद्यालय में इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रकारों की यहाँ बात कर लेते हैं, वो प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल हो सकता है तथा कंप्यूटर मीडिया, कंप्यूटर के सारे पार्ट हो सकते हैं। ऑडियो एवं विजुअल, ऑडियो जिसको हम केवल सुन सकें और वीडियो जिसको केवल हम देख सकें, और ऑडियो एंड वीडियो यानी कि जिसको हम सुन भी सके एवं उसे देख भी सके। जैसा कि ये वीडियो, अभी आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं, तो ये आपका हो गया ऑडियो एंड विजुअल। तो इसकी अवधारणा क्या है, ये विद्यालय में क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही साथ एक और टॉपिक हमको पढ़ना है Unit 1 में, विद्यालयों में ICT को समावेशित करने की चुनौतियाँ,
वो चैलेंजेस क्या है। आप सभी को ज्ञात होगा जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं या नया कार्य करने की सोचते हैं तो उसमें बहुत सारी चुनौती आती है। वो चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती है खासकर विद्यालय के संदर्भ में, इसमें एक और चीज़ ऐड किया गया आपके पाठ्यक्रम में कि बिहार के विद्यालयों की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए, क्योंकि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या आपकी बिजली की हो सकती है, शायद उस विद्यालय में बिजली की पहुँच नहीं हो या भवन का हो सकता है। यदि इन सब समस्याओं का हम निदान पा लें तो एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि शिक्षकों को ICT के प्रति उदासीनता। जो हमारे पुराने टीचर हैं या जो नए भी शिक्षक हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम ICT का यूज करें, उनको अपनी पुरानी शैली अच्छी लगती है। तो ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ हो सकती है कि बिहार के विद्यालयों की यदि हम बात करें, वहाँ पर ICT को हम समावेशित करने की बात करें, तो ये सब चुनौतियाँ जो हमारे समक्ष आ सकती है। और भी कई सारी चुनौतियाँ हैं, जब हम इस पाठ को लेकर आगे बढ़ेंगे तो इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। ये तो रहा आपका Unit 1। Unit 2 में हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। Unit 2 में हमको पढ़ना है रेडियो एवं ऑडियो मीडिया का उपयोग। रेडियो आप सभी भी सुनते होंगे, रेडियो में हमको ऑडियो सुनाया जाता है, तो उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसका उपयोग हम कहाँ करेंगे। रेडियो एवं ऑडियो का उपयोग हम संवाद लिखने में कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग में, कहानी वाचन में कर सकते हैं और गीत संगीत के लिए भी कर सकते हैं। संवाद लिखना यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग, कहानी वाचन, कहानी कहना और गीत संगीत, इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं ऑडियो के रूप में। कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे Unit 2 में। इसके अलावा हमको पढ़ना है शिक्षा में टेलीविजन एवं वीडियो की उपयोगिता। अधिकतर आप सभी भी सुनते होंगे कि टेलीविज़न बच्चे को नहीं देखना चाहिए या टेलीविज़न सही नहीं है, लेकिन टेलीविज़न एवं वीडियो की उपयोगिता क्या है शिक्षा में। ये भी एक वीडियो है जिसको आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर या टीवी में देख सकते हैं, तो ऐसे वीडियो की उपयोगिता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इन सब बातों पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ Unit 2 में एक और चीज़ आपको पढ़ना है जिस पर आप लोग शायद कभी ध्यान नहीं देते हैं, खासकर वर्तमान समय में हम लोग समाचार पत्र की उपयोगिता को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हमको लगता है कि सब चीज़ हम नेट पर देख ही लेते हैं, हमको वीडियो सब कुछ का प्राप्त हो ही जाता है, सारी सूचनाएँ सारी जानकारियाँ हमको TV पर मिल ही जाती है, तो फिर समाचार पत्र हम क्यों पढ़े। आखिर समाचार पत्र में वैसा क्या है जो कि हमको पढ़ना चाहिए, इसकी उपयोगिता क्या है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या योगदान है, ये हम जानेंगे शिक्षा में समाचार पत्र की उपयोगिता यूनिट के अंतर्गत, कि आखिर वो क्या योगदान है एजुकेशन में, इस पर विशेष बातें करेंगे हम। इसके अलावा एक और बात होती है कि जब हम Unit 2 में पढ़ेंगे तो जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं या फिर अपने क्लास में ICT का प्रयोग करते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के बारे में आप सभी जानते होंगे, शायद इसको चलाना भी सबको आता होगा, फिर भी हम इस यूनिट के तहत ये जानेंगे विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टरों को चलाने का ज्ञान। प्रोजेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें संचालित कैसे किया जाता है, उन्हें कैसे हम चला सकते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इसका प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाए और हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे प्रोजेक्टर को कैसे चलाया जाता है, इन सब चीज़ों पर बातें होगी। इसके अलावा Unit 2 में हमको पढ़ना है कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान, चालू एवं बंद करना, फंक्शन नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर ऑन और ऑफ। मैक्सिमम प्रशिक्षकों को यह पता होगा कंप्यूटर कैसे काम करता है,
कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है, इसे कैसे हम चालू और कैसे बंद कर सकते हैं, फिर भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे जानेंगे, क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल पेपर भी है तो इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं, तो कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी बात करेंगे और इसके थ्योरी विषय पर भी चर्चा होगी। कंप्यूटर के सेक्शन में ही हम और भी कुछ जानेंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, और इसके अलावा कुछ हम विशेष सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, जैसे कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, पावर पॉइंट, MS Excel, ये सब काम कैसे करते हैं, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, इसके साथ सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी ये क्या होता है, ये वर्क क्या करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इन सब के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे इसके अंतर्गत। Unit 2 में हमको एक और चीज़ पढ़ना है, इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है, आप सबको लगता होगा ये तो सबको, हम सभी को ज्ञात है इंटरनेट क्या है, लेकिन ज्ञात सभी को है लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत हम भी फिर रिसर्च करेंगे, जानेंगे इंटरनेट क्या होता है, ईमेल आईडी क्या है, ईमेल क्या है, ईमेल और जीमेल में अंतर क्या होता है, सर्च इंजन, ब्राउजर ये क्या होते हैं, विकिपीडिया क्या है, विकिपीडिया काम कैसे करता है, विकी वेबसाइट किसे कहते हैं, ये जितनी भी बातें हैं सब हम जानेंगे। हम कुछ किसी फाइल को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल ड्राइव में कैसे उसको सेव करना है, कैसे हम सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, हार्ड कॉपी क्या होता है, मोबाइल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, MOOC, इन सब चीज़ों पर हम विस्तार से बातें करेंगे, ये क्या होता है, क्यों इसकी अवधारणा की गई है, क्यों इसको लॉन्च किया गया है, इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे आपके Unit 2 के अंतर्गत। इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी शैक्षणिक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम लोग शिक्षण अधिगम के दौरान प्रयोग करते हैं, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं विकिपीडिया के अलावा भी, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं अपने शिक्षण अधिगम के दौरान। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, वो कौन कौन सी वेबसाइटें हैं जिनका प्रयोग हमको करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बातें होगी जब Unit 2 हम स्टार्ट करेंगे। Unit 3 में हमको पढ़ना है ICT समर्थित कक्षा की संकल्पना, विजुअलाइजिंग ICT सपोर्टेड क्लासरूम। हम एक विजुअलाइजिंग करेंगे, संकल्पना करेंगे ICT का, जब वो मेरे क्लासरूम में कैसे मदद कर सकता है, ICT आपका मदद कैसे कर सकता है। आप सबको ज्ञात होगा, आप सभी BEd में लर्निंग प्लान बनाते होंगे, तो लर्निंग प्लान बनाते समय ICT का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, कैसे हम ICT के द्वारा अपना लर्निंग प्लान बना सकते हैं ये हम जानेंगे। ऑडियो विजुअल सामग्रियों के प्रयोग से कक्षा में सीखने को रोचक एवं सहज बनाना। जब हम ऑडियो एवं विजुअल सामग्री का प्रयोग करते हैं तो कक्षा में कैसे रोचकता आती है, आप सब भी देखे होंगे, जब हम कोई चीज़ को वीडियो के माध्यम से बताते हैं, ऑडियो के द्वारा बताते हैं, तो क्लास में एक रोचकता आती है, तो इस रोचकता को कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा कक्षा शिक्षण में जब आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो PPT स्लाइड्स बनाना और उनका प्रेजेंटेशन करना। Unit 2 में हम सीखेंगे पावर पॉइंट क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन फाइल कैसे बना सकते हैं, और Unit 3 में जानेंगे कि इसका हम क्लासरूम में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जब कोई हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल बनाएंगे तो इसको प्रेजेंट करने के लिए हमें प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है, वो कौन सा प्रोजेक्टर होना चाहिए, इसलिए हमको प्रोजेक्टर का नॉलेज होना है चाहिए हमको, उसके साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज और पावर पॉइंट बनाने का भी ज्ञान, ये सब चीज़ें हम जानेंगे आपके ICT सेक्शन के अंतर्गत।
इसके अलावा हमको पढ़ना है विषय संबंधी सॉफ्टवेयरों का प्रयोग करना है। हम जब कोई विषय पढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत ऐसे वेबसाइट हैं जो कि हमारी मदद करते हैं, तो उन वेबसाइटों का प्रयोग हम कैसे करेंगे, उन सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, वो कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका प्रयोग हमको करना चाहिए अपने कक्षा शिक्षण के दरमियान, इन सब चीज़ों पर बात होगी। हम इसमें एक और काम कर सकते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन फाइल बनाना सीख जाएंगे तो मेरी कोशिश ये रही कि अपने स्टूडेंटों के द्वारा भी इसे बनाना, आप उन्हें असाइनमेंट दे सकते हैं, असाइनमेंट में आप उन्हें प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे तो एक रिसर्च करेंगे, मेटेरियल इकट्ठा करेंगे, तो उन्हें भी आईसीटी का ज्ञान होगा कि कैसे हम कोई फाइल बनाते हैं तो हम कहाँ से मेटेरियल इकट्ठा करेंगे, कहाँ से इमेज लाएंगे, कैसे उसको सेट करेंगे, कैसे उसको डिजाइन करेंगे, तो इन सब चीज़ों का भी उन्हें नॉलेज होगा। तो आईसीटी का उद्देश्य यही है, आपको भी सीखना है, अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है और अपने विद्यार्थियों के ज्ञान में भी वृद्धि करना है और क्लासरूम को रोचक बनाना है आईसीटी की मदद से। आईसीटी में एक और चीज़ सीखेंगे कि हम कैसे ग्रुप लर्निंग बना सकते हैं, एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जिससे हम कुछ सीख सकें। वेब ग्रुप बनाना क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग हम कैसे बना सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, मैसेजिंग ऐप क्या होता है, इत्यादि और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे कि अभी आप इस लॉकडाउन में घर पर हैं तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, आपके लिए ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है, आपको वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे कि आप घर बैठे पढ़ाई कर सकें। आपके लिए महाविद्यालय की तरफ से एक ग्रुप भी बनाया गया, इस ग्रुप में आपको सारी सूचनाएँ प्रदान की जाती है, कब महाविद्यालय खुलेगा, कब बंद रहेगा, कब आपको आना है, कब कौन सी प्रक्रियाएँ होंगी, तो इन सब का ही प्रयोग आप सीखेंगे, कैसे काम करता है, ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम वेब ग्रुप नहीं सीखेंगे, ब्लॉग नहीं सीखेंगे, जब तक चीज़ें हम कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमको आईसीटी के अंतर्गत सब चीज़ों को जानना है, ब्लॉग हम कैसे बना सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, मैसेजिंग ऐप क्या होता है, इत्यादि। इसके साथ ही साथ हमको आईसीटी में पढ़ना है अलग अलग विषयों में किन किन प्रकार के आईसीटी सामग्रियाँ विशेष मदद कर सकती है, इसकी समझ। अब यहाँ विषय की बात आती है, आप में से अधिकतर विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम के होंगे, कोई आर्ट्स के होंगे, कोई कॉमर्स के होंगे, अब साइंस में भी कई भाग है, किन्हीं का फिजिक्स नर्स होगा, किन्हीं का केमिस्ट्री नर्स है, किन्हीं का बायोलॉजी है, सबका अलग अलग होगा, सबका विषय अपना अलग अलग है, लेकिन आईसीटी सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए एक बराबर है। तो कैसे हम विभिन्न विषयों में आईसीटी को समावेशित कर सकते हैं, आईसीटी हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें आप ये कह सकते हो कि इस विषय में आईसीटी का मेरा कोई योगदान नहीं है, सारे विषयों में आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान कैसे है हम जानेंगे यूनिट 3 के अंतर्गत। इसके अलावा हमको यूनिट 3 में एक और चीज़ पढ़ना है, आईसीटी के नवाचारी प्रयोग से संबंधित केस स्टडी। शायद आप सभी के लिए केस स्टडी नया शब्द होगा, केस स्टडी क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, फिलहाल हम यह चर्चा कर लेते हैं। केस स्टडी क्या होता है कि हम कोई चीज़ का स्टडी करते हैं, कोई घटना लेते हैं, उस घटना का पूरा निवारण करने का प्रयास करते हैं, तो आईसीटी के द्वारा, आईसीटी के नवाचारी प्रयोग से, इनोवेटिव यूजेज से कैसे हम केस स्टडी कर सकते हैं। जब हम ये सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे केस स्टडी क्या होता है, हम आईसीटी के नवाचारी प्रयोग से कैसे इसे दूर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बातें होगी। फिलहाल दोबारा आपसे हम कहना चाहेंगे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।